अचानक छत टूट कर गिरा सर पर, सर फूटा। जर्जर भवन की छत की परत गिरने से दो शिक्षक हुए घायल। शहर के राम जयपाल कॉलेज में अचानक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जब मनोविज्ञान विभाग के कमरे की छत का परत अचानक गिर गया और कमरे में बैठे दो प्राध्यापक घायल हो गए। आनन फानन में घायल प्राध्यापकों को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर आरपी बबलू, महाविद्यालय के अन्य अधिकारी व शिक्षक घायल प्राध्यापकों से मिलकर उनके प्रति संवेदना जताई। वहीं कुलपति ने भी महाविद्यालय पहुंचकर जर्जर भवनों का भौतिक निरीक्षण किया और जल्द ही इसकी मरम्मत कराने की बात कही। वहीं राम जयपाल महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर इरफान अली ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि महाविद्यालय परिसर में कई भवने पुराने एवं जर्जर हो चुके हैं और बरसात के कारण इसकी हालत और खराब हो चली है। इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दे दी गई है। मेरी मांग है कि जल्द से जल्द जर्जर भवनों का मरम्मत कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे और ना कोई अनहोनी हो। वही महाविद्यालय की कई कक्षाएं एवं विभाग की छतें जर्जर हो चुकी हैं, जो कब धराशायी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। इस मुद्दे पर प्राचार्य ने बताया कि कई वर्षों से जर्जर बिल्डिंग में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसको लेकर भी महाविद्यालय प्रशासन असमंजस में है। हालांकि जो भी भवन सुरक्षित है उसमें ही एक बेंच पर दो छात्रों को बिठाकर परीक्षा ली जाएगी। कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया जाएगा। कभी भी हादसा हो सकता है। ये 7 माह पूर्व ये जीर्णोद्धार भी हुआ था, इसी परिसर का हुआ था सर। दिसंबर जनवरी में ऊपर छत बनवा, कितनी लागत से हुई थी सर? 7 लाख तक। 7 लाख तीन डिपार्टमेंट है, फिजिक्स बंद हो गया, उसका डिपार्टमेंट जो रेड हो गया। क्या चीज़ बोलो? हाँ, इसकी सूचना मैं विगत महीनों में मैंने दिया था विश्वविद्यालय को चिट्ठी के माध्यम से। ये बिल्डिंग जर्जर है, लिहाजा यहाँ पे बैठने के लायक नहीं है। इसको या तो रिनोवेशन में ले जाया जाए, या जिस तरह से इसको करना है इसमें बैठने के लायक नहीं है। किसी भी समय ये गिर सकता है। कल एक अप्रिय घटना हुई है। हमारे दो शिक्षक जो मनोविज्ञान के अतिथि शिक्षक डॉक्टर मोहम्मद फखरे शाहन साहब और हमारे एक अस्थाई टीचर प्रोफेसर विद्याधर सिंह जी भौतिकी विज्ञान यहीं बैठे थे, वहाँ काम कर रहे थे, दोनों ही काम कर रहे थे, वेरिफिकेशन का काम कर रहे थे क्योंकि अभी एडमिशन का काम चल रहा है। उसी दौरान अचानक से ऊपर से चट गिरा प्लास्टर छत का, उसमें दोनों घायल हो गए। तदुपरांत हमने उन दोनों को सदर अस्पताल ले गए, वहाँ इलाज हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन ईश्वर का की कृपा है कि दोनों ठीक ठाक रिपोर्ट आई है। लेकिन 13 तारीख से एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, ऐसे स्थिति में आप एग्जाम कैसे लेंगे? हाँ, ऐसे में मैंने अभी माननीय कुलपति महोदय आए थे, देखे हैं सारी चीज़ें, उनको मैंने बताई है। जो स्ट्रेंथ हमारे पास है, जो परीक्षार्थियों की जो संख्या है उसको मैंने संज्ञान लिया है और जो सीट प्लान हो रही थी उस सीट प्लान के मुताबिक हमारे दो दो बच्चों को एक बेंच पे बैठा के हम ले लें। लेकिन सर, परीक्षा भवन की जहाँ बात की जा रही है, परीक्षा भवन भी आपका जर्जर दिख रहा है जी, तो मैंने उसको वर्जित कर दिया। मैंने ये किया है कि रूम नंबर 1, 2, 1 का बरंडा 2 का बरंडा और रूम नंबर 4, 5, 6, 7 उसमें हमारे बच्चे दो दो बच्चे बैठाएंगे, आराम से ले लेंगे क्योंकि संख्या उतनी है। जबकि आपने भवन के बारे में पहले ही लिख के दिया हुआ है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
नहीं करवाई, मैं विश्वविद्यालय का दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो इंजीनियर भी आए थे और जो लोगों को दिखाया गया, कहा कि ठीक है अभी बरसात बहुत हो रही है, पानी बहुत हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में इसमें हाथ लगाना कुछ करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन सर फिर भी उसमें सर क्लास चलाना और सब चीज़ विभाग चलाना ये तो खतरे से खाली है, वो तो बरसात और गर्मी नहीं दिखेगा। जी 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 जी, लेकिन इसमें हम लोग प्रिकॉशन ले रहे थे, उस तरह की स्थिति नहीं थी। कि घटना है, दुखद घटना है, अप्रिय घटना है, हो गया, होनी था। फिलहाल वैसे वैसे कमरों को बंद कर दिया गया। वैसे तत्काल प्रभाव से मैंने इसको नोटिस निकाल के बंद कर दिया, दूसरे के शिफ्ट कर दिया गया। शिक्षकों को मैंने निर्देश दिया है कि जहां खाली है उस रूम में आके अपना पठन पाठन करें, और फिलहाल बैठने के लिए हमारे कैंपस में आगे के दरवाजे पे गेट पे लक्ष्मी नारायण अध्ययन केंद्र है, उसमें बैठ के हम लोग सत्यापन कार्य कर रहे हैं।